हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप सब लोग सही होगे और मजे में होगे। तो कैसे हो आप लोग भाई, सब सही होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने ट्रैक व्लॉग्स के बारे में। हाँ, मुझे पता है बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, तो आजकल थोड़ा बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, थोड़े कुछ और काम और चीज़ें। तो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा ड्रेड लॉक के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे ही देता कुछ भी हो भाई। देखो, हमें चाहिए कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, मैं जो मेरे साथ फील होता है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैंने सीखा होता है टाइम में, जो मेरे साथ फील हो रहा होता है, जो हो रहा होता है, सब कुछ, मतलब जो भी चीज़ें हैं, मैं अपना खुद का वो बताता हूँ कि भाई मेरे को कैसा लग रहा है कि आज ये चीज़ें करी तो कैसा हुआ, फिर ये करा तो कैसा हुआ। मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। तो आज हम अपने बालों को करने वाले हैं डिटॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बालों को ढंग से सफाई करी जाती है भाई। मैं नॉर्मली धोता हूँ, बट मैंने आज जो भी धूप में बैठा था, तो एक दो दिन बाद मुझे कहीं जाना है, फंक्शन अटेंड करने है, तो उसके लिए मैं ऐसे ही नॉर्मली बैठा था, मैं अपने ड्रेड लॉक देख रहा था भाई। ये गंदे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत गंदे हो रहे हैं बिल्कुल। मुझे तो ऐसा हो गया ना कि भाई अभी ने कटवाने का टाइम हो गया। अभी हम डिटॉक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें लेके आ रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक गर्म बता दो, गर्म पानी एक टप है, ठंडा पानी है, शैम्पू है, विनीगर है और बेकिंग सोडा है। तो भाई बेकिंग सोडा की जगह कुकिंग सोडा ले आया, बेकिंग सोडा मिला नहीं, और एप्पल साइडर विनीगर भी नहीं मिला, तो मैं वाइट विनीगर ले आया। सिंपल ही होता है दोनों, वो चीज़ें और वो चीज़ें भी सिमिलर होती हैं थोड़ी बहुत, तो हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके करने वाले हैं। और अगर मेरे बाल सही हो जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं अच्छे से, तो हम इन्हें रखेंगे, और नहीं होते तो हम इन्हें कटवा देंगे। हमारी माता के मुँह में मुस्कान आते हुए भाई, सीधी बात तो मैं सीधी बताया भाई, मैं अपने बाल भी इसलिए धोता हूँ, सब कुछ बढ़िया करके रखता हूँ, कि मुझे गंदगी नहीं पसंद भाई। जटाएं हैं, आई लव माय ड्रेड लॉक्स बहुत ज़्यादा भाई। आज के टाइम पे भाई मैं अपनी जटाओं का सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट जब ये साफ नहीं होंगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कोशिश करेंगे इन्हें साफ़ करने के लिए। तो इसका सिंपल प्रोसीजर है, तो मैं बता देता हूँ भाई, उसका तुम समझ लेना। पहले हम इसमें टप में डालेंगे, ये है टप, सीधे नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये कुर्सी रखी है यहाँ पर, वो रखा है, तो मैं ऐसे करके सो सकता हूँ इसमें, और ढंग से मतलब 15-20 मिनट के, मतलब एक घंटे का प्रोसेस है लगभग लगभग पूरा, तो हम शॉर्ट में बताएंगे। तो भाई मैं जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं ड्रेड लॉक वाले, उनके लिए स्पेशली है कि भाई जो मैं फील कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आएगा, तो मैं ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, देन ठंडा पानी, गुनगुना पानी बनाएंगे इसका, ठीक है। देन उसमें शैम्पू डालेंगे, पूरा उसको गाज बनाएंगे, देन उसको अपने बाल 15-20 मिनट के लिए भिगाने के लिए रख देंगे, अच्छे से भिगाते रहेंगे। उसके बाद उसको हल्का सा वॉश कर देंगे, पानी को बिल्कुल मतलब ऐसा सुखा देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे पानी, वही गर्म पानी, देन उसमें 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा, देन उसके बाद उसमें बेकिंग सोडा में भिगा के रखेंगे, फिर शैम्पू में दोबारा से शैम्पू डालेंगे, फिर 15-20 मिनट उसमें भिगाएंगे, तो अच्छे से बालों की गंदगी निकल जाएगी। देन फिर उसके बाद जो एप्पल साइडर विनीगर है 3-4 चम्मच, उसको डाल के गर्म पानी में फिर उसमें बाल भिगाएंगे, तो इससे बाल डिटॉक्स हो जाते हैं गंदगी जो अंदर की, क्योंकि हम शैम्पू करते हैं ना तो बाहर की गंदगी निकल जाती है, बट अंदर से ड्रेड बहुत गंदी होती है, इसके अंदर बैक्टीरियाज और बहुत सारी चीज़ें पनप रही होती हैं साथ ही साथ में, ठीक है। नमी है, जाड़ों के दिन थे, धूल धक्कड़, एक तो मेरा एरिया इतना गंदा है भाई, मैं परेशान हो चुका हूँ बस इलेक्शन है आज, ठीक है। आज 14 फरवरी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलेक्शन है भाई, मुझे पता कोई सी भी पार्टी काम के वो ही नहीं करवा रहा यार, किसी को वोट दे दो तुम, इसलिए मैंने वोट ही नहीं दिया, मतलब मैं देना चाह रहा था बट मेरा वोट आया ही नहीं, सालों ने वोट ही नहीं बनाया मेरा। तो छोड़ते हैं सब बातों को, हमारे घर वाले वोट दे के आ गए भाई, जिसके इलेक्शन मतलब वोट हैं वो प्लीज़ वोट दे के आओ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ, जो काम कर रहा है उसको वोट दो, ठीक है। बातें खत्म, काम करना शुरू। तो भाई ऐसा कुछ है, और आग बंद आ रही होंगी, तो भाई देखो सुनो क्या काटना, देखो पापा ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले मैं सीन काटने आया था, फिर मैंने रख लिया क्योंकि पापा पहली बार बोले मेरे ब्लॉग में। तो भाई धूप पड़ी, हम बाहर से बैठ के कर रहे हैं अपने आंगन में, तो ये हमारी माता से दिख रही है, क्या माता आ गई, दिख रही है तो मिल गया हाँ मैं तो दिख रही तो ये भाई हमने टब रखा है, इसमें हमने ये कैमरा गिर के पानी में लगा जाए यार, ठीक है। तो ये भाई शैम्पू का पानी है, पूरा झाग वाग हो गया, तो मम्मी जी हमारे ऐसे पूरे बालों को धो रही हैं, अभी 15-20 मिनट लगेंगे इसको थोड़ी देर धो के, फिर थोड़े भिगाने के लिए रख देंगे। तो पहला प्रोसेसर ये है, तो मैं 15-20 मिनट बाद रखता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, 3-4 प्रोसेसर है, ठीक है। आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ, बट तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मेरे को देख के क्या करोगे, दाढ़ी सी दिख रही है वैसे चलो ठीक है यार भाई, मम्मी कुछ कहना चाहोगे, नहीं साफ ही है, साफ पानी निकल रहा है, ये साफ है माता जी
तो भाई ऐसा कुछ हाल है हमारा, ठीक है। अभी ये जटाएं ऐसे भी इनका पानी निकाल रहा हूँ। सेकंड प्रोसेसर मैं सीधे करके दिखाऊंगा। बेकिंग सोडा नहीं, ये कुकिंग सोडा लिया यार मैं। आई होप दोनों एक ही होते हैं। मैंने जितना गूगल किया और जितना किया, समथिंग समथिंग सेम रहता है। ये बबल वगैरह ना कुछ ऐसा कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ी चीज़ों के लिए होता है। ये गंदगी फुला देगा, मतलब वैसे खाना फुलाने के लिए होता है पर हमारी गंदगी फुला देगा। तो इसके 3 से 4 चम्मच आई थिंक मैं आधा पैकेट डाल दूंगा इसका, बिकॉज मेरी जटाएं ज़्यादा हैं। तो जो भी है, तो ये गर्म पानी हमने यूज़ किया था तो इसका पानी मैं फेंक रहा हूँ। इसमें दूसरा पानी डाल के इसके 4 चम्मच इसको संभाल के रखा जाएगा, बोतलों में बेचा जाएगा ये करोड़ों भरों में। तो ये डाल के आधा पैकेट मैं इसका डाल दूंगा, 3 से 4 चम्मच डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ऐसे गर्म पानी में डाल के दोबारा से हम इसको जटाओं को धोना शुरू करेंगे, जैसे हमारी मम्मी अभी तक इनको ऐसे करके मसल रही थी, धो रही थी, तो वही चीज़ें दोबारा से करेंगे, ठीक है। वहाँ मिलते हैं प्रोसेसर में अब दोबारा टप में। तो भाई ऐसा कुछ है, ऐसे मम्मी हमारी ऐसे जटाओं में ये बेकिंग सोडा का पानी डाल ली है और ये जटाओ को ऐसे ऐसे करके मसल लिया है जिससे ये साफ हो जाए। और मम्मी वैसे काम कराना, ठीक है भाई। मम्मी आइडिया दे रही है कि जो है भाई वो अपनी मम्मी से करा सकते हैं, भाई से करा सकते हैं, बहन से, कोई भी हो, मतलब एक जना हेल्प कर दे तो ज़्यादा बेटर रहता है यार, क्योंकि अकेले होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। और यहाँ इतने अच्छे हर जगह ना वो होते नहीं है जटाओ के लिए फैसिलिटी, या सबको इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो यूट्यूब से देखो, घर पर करो, बस चिल सीन है। चलो देखते हैं क्या होता है सीन। देखो भाई सेम कलर सेम पानी, आई डोंट नो एक ही तरीके का कुछ चीज़ निकल रहा है पानों में से, बट हाँ थोड़ी बहुत गंदगी डैंड्रफ वगैरह दिख रहा था इसमें निकला हुआ। तो फिलहाल कुछ ऐसा वाइट ऐसा सा पानी है, गंदा तो दिख रहा है ये वैसे, बट वाइट वाइट गंदा ही है, सभी सभी से निकल रहा है कुछ। चलो अगला प्रोसेस जट। क्या कितने रुपये लेंगे एक बार करने के? 150 चार बार करना है, कितने हो गए? 150 300 600 रुपये। अरे भाई साहब इससे अच्छा तो मैं नाइस कराऊंगा। 100 रुपये लेगा वसीम भाई, क्यों लेगा 100 रुपये? वसीम भाई फ्री में कर देगा वो मेरे जान। वसीम भाई से अपनी अच्छी है बातचीत। तो भाई ये है तुम्हारा तीसरा स्टेप, ठीक है। यानी कि कितने रुपए होंगे? 350 450 रुपये आई थिंक, शायद इतना ही, 450 रुपये। तो ये इसके बाद वाला प्रोसेसर है बेकिंग सोडा के बाद हम शैम्पू कर रहे हैं, ठीक है, कि जो ये गंदगी बाकी बची होगी तो ये शैम्पू इसको निकाल देगा। और जो बेकिंग सोडा है उसको भी निकालना होता है क्योंकि वो बालों को डैमेज करता है, ठीक है। 10-20 मिनट से ज़्यादा मत रख देना इसको, ये नहीं कि 1-2 घंटा रख दिया, ठीक है, इसको 10-20 मिनट रखना बस। और उसके बाद देखो ये पूरा इसका अच्छे से बेकिंग सोडा को बिल्कुल घिस घिस के निकालना है कि बेकिंग सोडा का कुछ बच ना जाए, गंदगी तक निकाले वो बाल ना निकाल दे, ठीक है। तो अभी मम्मी अच्छे से वॉश कर रही है, तो आई थिंक इसमें कि हम आधा घंटा सच में पैसे लेगी, तू बच्चे से पैसे लेगी, अपने बच्चे से, दूसरे बच्चों से तो ले, अपने बच्चे से कौन पैसे लेता है यार। तो ठीक है भाई, मेरी गर्दन दुखने लग गया वैसे पड़े पड़े, तो मिलते हैं अपन 5 मिनट बाद। 5 मिनट में अच्छे से धुल जाएगा, उसके बाद चौथे स्टेप पर पहुँचेंगे हम। तो भाई हमारी माता जी इसमें नींबू निचोड़नी है, तब बड़ा नींबू हम काट के लेके आए। पहले जो हम नींबू लाए थे वाले सड़े निकले, तो फिर हम बड़ा नींबू लेके आए, तो हमारे ये बड़ा नींबू तो पेड़ में हुआ था वहीं से तोड़ के ले आए। इसमें हमने सिरका डाल दिया, देख सकते हो तुम, झूठ झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, तो मैं जिस टाइम दिखा नहीं रहा हूँ मैं कि डाल नहीं रहा हूँ, तो ये मैंने झूठ झूठ बोल दे रहा हूँ मैं। देखो सच्ची वाला डाल दिया मैंने, ये इतना था इतना, ये इसका कैप बड़ा है तो 3 कैप डाल दी, 3 ढक्कन। तो अभी ऐसा कुछ है इसका और ऐसा कुछ हाल है, और पहले मैं इसको भिगा देता हूँ, थोड़ा सुखा देता हूँ। फिर एक और चीज़ है इसमें, एक प्रॉब्लम बालों में और आ रही है, उसका सॉल्यूशन भी अभी हमें मिल गया है, ऐसे बातें करते करते हमने डिकोड कर दिया। तो पहले ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद आपको बात करते हैं। कुछ नहीं करना है, मैं इसको भिगा के रखे रहूँगा, बाकी फिर मिलते हैं सीधे, ठीक है। बाय बाय। ओ भाई उसके बाद जो सिरके का पानी था उसमें कुछ निकला नहीं, वो पड़ा ऐसे साफ पानी है। तो हमने उसको नींबू नहीं जोड़ा था ना, नींबू के वो सिलाई वो नहीं होते हर कैसे से जो कुछ तो होता है उसके अंदर, वो ऐसे बस वो चिपक गए सब सुबह से, बस वो निकालने बाकी है। हाँ तो आई होप मेरे बाल साफ हो गए हों, गंदे ना रहे हों। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको मज़ा आएगा। ड्रेड लॉक को डी टॉक ऐसा कुछ किया हमने, मतलब अंदर तक घुस के हमने इसके अंदर सफाई कर दिया। आई होप ये साफ हो गए, अभी गीले हो रखे हैं थोड़े, तो सूखेंगे उसके बाद पता चलेगा। वैसे मज़ा तो आ रहा है बालों में हाथ लगाने में, हल्की सी सिरके की, जो सिरके का लास्ट पानी यूज़ किया था मैंने, हल्की उसकी स्मेल है, बहुत कम सी सिरके की, और उसके ऊपर जो नींबू निचोड़ा था हल्की खट्टी खट्टी, तो खट्टा स्मेल कर रहा हूँ अभी, सब मीठा स्मेल करता हूँ।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आज के लिए वीडियो इतनी ही थी, मेरा हाथ थक गया, ओ माई गॉड। तो बाय बाय।